आज चैत्र शुक्ल चतुर्थी शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। आज हरि गणगौर है। आप सभी को खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित तिलकाय श्री का आवास मोती महल है। संदर्भ यह है कि कल प्रथम चुंदड़ी गणगौर थी, जिन्हें मोती महल परिसर के चौक में विराजित किया गया था, जहां दर्शनार्थियों ने दर्शन किए। प्रभु श्रीनाथ जी के संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्रीनाथ जी मंदिर के नक्कारखाना द्वार से प्रारंभ होकर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लाव लश्कर सहित श्रीनाथ बैंड अगुवाई कर रहा था, तो श्रीनाथ गार्ड अपने परंपरागत वेशभूषा और शस्त्रों के साथ मार्च करते हुए दृश्यमान हुए। वास्तविक आवाजों के साथ आप भी अपने आप को श्री जी की नगरी में महसूस कीजिए और शोभा यात्रा के आनंद लीजिए। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह श्री जी की नगरी के चौपाटी बाजार से हैं। यहाँ शोभा यात्रा को देखने के लिए जहाँ स्थानीय निवासी एवं वैष्णव जन बड़ी संख्या में उमड़े, तो अधिकांश महिलाएं चुंदड़ी की साड़ी धारण करके आई हुई दिखाई दे रही हैं। श्रीनाथ बैंड सहित श्रीनाथ गार्ड्स ने भी चुंदड़ी के साफा पहन रखे हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह चौपाटी बाजार के विहंगम दृश्य हैं, जहां से यह शोभा यात्रा गुजर रही है। उल्लेखनीय है कि यहां से नगर भ्रमण करते हुए यह शोभा यात्रा गुर्जरपुरा बड़ा बाजार मंदिर पीछे होते हुए महादेव जी की घाटी से बनास नदी अर्थात श्री यमुना स्वरूपा नदी के पास स्थित चौपेटा के बाग में पहुंचती है,
जहाँ पर गणगौर एवं ईसर जी को एक मंदिर में विराजमान किया जाता है और सभी वहाँ इनके दर्शन करते हैं, भेंट धरते हैं। चौपेटा के बाग पर ही मेला भी भरता है, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामवासी आते हैं, खरीददारी करते हैं, मनोरंजन करते हैं और गणगौर ईसर जी के दर्शन भी करते हैं। यह क्रम आज हरि गणगौर एवं कल गुलाबी गणगौर पर भी जारी रहेगा। अब बड़ा बाजार क्षेत्र से निकलती हुई शोभा यात्रा का आनंद लीजिए। यह थे प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी से प्रथम चुंदड़ी गणगौर के दर्शन और शोभा यात्रा के विहंगम दृश्य। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज द्वितीय गणगौर अर्थात हरि गणगौर के श्रृंगार धराए गए हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं। इनके साथ प्रभु को आज विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए प्रभु के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज एक ओर श्री कृष्ण एवं दूसरी ओर श्री बलराम जी के साथ घूमर नृत्य करती व्रजललना अर्थात गोपियों और गणगौर के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर फूल बूटों का चित्रांकन वाला सुंदर हाशिया बना हुआ है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। स्वर्ण के रत्न जड़ित
दो पड़घा जी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबुल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को सभी वस्त्र आज पंचरंगी लहरिया के अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए गए हैं। हरिगणगौर होने के बावजूद पंचरंगी लहरिया के वस्त्र श्री चंद्रावली जी के भाव से धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर प्रभु को आज ठाड़े वस्त्र सफेद डोरिया के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हरिगणगौर के भाव से पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को पंचरंगी लहरिया की ही छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर पन्ना से सिद्ध की हुई सीधी चंद्रिका धराई है, तो साथ में लोम भी धराई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज पन्ना से सिद्ध किए हुए दो जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं और विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में त्रवल के स्थान पर पन्ना का कंठा धराया गया है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण के लहरिया वाले वेणु जी धराए गए हैं और कटी पर प्रभु को आज दो वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट हरे रंग का और गोटी पंचरंगी लहरिया के भाव की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई यह आरसी उत्सव वाली आरसी है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में ढीले ढीले पग धरत ढीली पाग, श्रृंगार में लटपटी पाग के पेच संवारो, राजभोग में बैठे हरि राधा संग, आरती में चल सखी चल अहो ब्रज पेठ लगी, शयन में चलो क्यों न देखें री खरे दो, पोढ़वे में पोढ़े हरि राधिका के संग कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत छेड़ान के आभरण एवं लुमतुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं,
अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। कल प्रभु श्री जी में तीसरी गणगौर मनाई जाएगी, जिसके तहत गुलाबी गणगौर का उत्सव होगा। प्रभु को गुलाबी घटावत वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे, जिनके विस्तृत दर्शन हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आई रंगीली गाने गो
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।